अगर कोई दोस्त आप पर कुछ ज्यादा मेहरबानी दिखा रहा हो, आप पर कुछ ज्यादा पैसे लुटा रहा हो, आपको रुपया दे रहा है पर वो आपसे रुपये वापस नहीं मांग रहा, तो क्या ये सब सच्ची दोस्ती की निशानी है? या फिर ये खतरे की वो घंटी है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका दोस्त आपको एहसानों के तले इतना लातता चला जाता है कि आप उसके असल मकसद को देख ही नहीं पाते। आज के जमाने में जब कलयुग है, जहां आदमी पानी भी फ्री में नहीं पिलाता है, वहां पर कोई दोस्त आपको जब आपको जरूरत पड़े पैसा दे दे रहा है, जब आपको जरूरत नहीं तब भी पैसा दे रहा है और आपसे दोबारा मांग ही नहीं रहा, तो आपको सजग हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई उसकी नजर किसी आपकी कीमती चीज पर। यूपी के बांदा जिले में ऐसा ही हुआ, जहां रिश्तों की मर्यादा टूटी, और मर्यादा टूटी तो उसका अंत एक खौफनाक हत्याकांड के रूप में सामने आया। इस कहानी में पति है, पत्नी है, दोस्त है, और वो दोस्त जो गद्दार बन जाता है और अपनी दोस्त की ही पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है, अवैध संबंध बना लेता है। इसके बाद इस संबंध का अंत जो होता है वो इतना खौफनाक होता है कि जो लोग थे इलाके के लोग वो भी सन्न रहे। पुलिस ने इस पूरे मामले का जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में जो सच सामने आया, जो तफ्तीश में रिपोर्ट सामने आई, वो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये घटना है कहाँ की? ये घटना है यूपी के बांदा जिले की। इसमें आप एक तस्वीर एक युवक की दिख रहे होंगे, इसका नाम है अरुणेश मिश्रा। अरुणेश मिश्रा भाजपा बताते हैं, भाजपा युवा मोर्चा का नेता भी है। इसके अलावा खेती किसानी करता है, 10 बीघे की जमीन है और घर में ट्रैक्टर है। बगदा मतलब अच्छा खासा संपन्न परिवार है, 7 भाई है, जिसमें 6वें नंबर पर अरुणेश मिश्रा था। तो 6वें नंबर पर अरुणेश मिश्रा था। 7 माह पहले ही अरुणेश की शादी बांदा के अलीगंज मोहल्ला की रहने वाली वर्षा मिश्रा के साथ हुई। वर्षा बताया जा रहा है जो अब 5 महीने की गर्भवती है, और उसका जब अरुणेश की मौत हुई तो उसका रो रो कर बुरा हाल। इसी गांव में ही अरुणेश का दोस्त रहता था, 40 साल का देवेश नाम देव उसका नाम था, और उसकी 38 साल की पत्नी गीता नाम देव, और 4 बच्चों के साथ देवेश अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता था। देवेश भी खेती किसानी करता था, और देवेश और गीता की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। खेती किसानी करता था, लेकिन जितना संपन्न अरुणेश था उतना संपन्न देवेश नहीं था। देवेश की माली हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन देवेश और अरुणेश की मित्रता बहुत अच्छी थी। देवेश नामदेव के घर अरुणेश का आना जाना था, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। अरुणेश अपने मित्र देवेश की वक्त जरूरत पर हर संभव मदद करता था। 6 माह पहले बताते हैं कि देवेश के पिता का जब निधन हुआ तो अरुणेश ने अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक में हर संभव मदद की, यानी पैसे से, सामान से, जिस तरह से अरुणेश को देवेश को मदद चाहिए थी एक दोस्त को, अरुणेश ने उस तरह से मदद की। इसके अलावा एक बार देवेश को रुपये की जरूरत थी तो बताते हैं अरुणेश ने 25,000 रुपये भी देवेश को दिए, और कभी उससे वो पैसे मांगे भी नहीं कि तुम कब हमको वापस दे देना, उसने पैसे दे दिए। 2 साल पहले देवेश के रहने वाले बताते हैं कि देवेश को जो उसकी उसका घर उतना अच्छा नहीं था, तो अरुणेश ने चूंकि भाजपा युवा मोर्चा का नेता था तो उसने प्रधान गांव के प्रधान से कहकर देवेश को एक कॉलोनी भी दिलवाई थी। मतलब एक तरीके से अरुणेश ने देवेश पर एहसानों की झड़ी लगा दी थी। एक तरीके से देवेश अरुणेश के एहसानों के तले बुरी तरह से दबा हुआ था। इसे दोस्ती कहें तो कोई एहसान नहीं है, ये तो अपना अपना अरुणेश फर्ज निभा रहा था, लेकिन लोगों को ये लग रहा था अरुणेश जो देवेश पर है वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लोगों को पता नहीं था कि अरुणेश क्यों ऐसा कर रहा है, इतना ज्यादा क्यों देवेश की मदद कर रहा है, जबकि देवेश बदले में कुछ नहीं कर सकता, बस साथ में रहने की, लेकिन फिर भी अरुणेश देवेश की मदद करता। इसका जो अरुणेश के इन एहसानों का राज तब खुला जब देवेश के घर आते जाते अरुणेश का दिल जो है वो अपनी भाभी यानी देवेश की पत्नी गीता पर आ गया। दोनों के बीच प्यार की पीढ़ियां बढ़ती चली गई।
और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। बताते हैं करीब 1.5 साल से दोनों के बीच में प्यार जो है परवान चढ़ रहा था। इसी बीच देवेश को थोड़ा सा भनक लगती थी, लेकिन देवेश अवनेश के एहसानों तले इतना दबा हुआ था कि वो उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक बार उसे ये पक्के तौर पर पता चल गया, हाँ उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच में अवैध संबंध है, प्रेम प्रसंग है, तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसने अवनेश से ये कह दिया कि वो उसकी पत्नी गीता से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अवनेश कहाँ मानने वाला था, अच्छा खासा पैसे संपन्न था, तो उससे था देवेश क्या कर लेगा आखिर। और दूसरी तरफ अवनेश की पत्नी भी देवेश की पत्नी जो थी गीता, वो भी अरुणेश से चोरी छुपे फोन पर बात करती थी। यानी जब देवेश को ये पता चल गया तो दोनों अरुणेश और गीता जो है वो चोरी छुपे फोन पर बात करने लगे, और जब देवेश नहीं होता था तो चोरी छुपे मिलते रहे। जब देवेश को लगा कि अब बात हद से गुजर गई, तो फिर उसने देखा कि अरुणेश मान नहीं रहा है, तो उसने बनाया अरुणेश की हत्या की साजिश, यानी प्लान बनाया, अरुणेश की हत्या का प्लान बनाया। उसने इस प्लान में अपनी पत्नी को ही मोहरा बनाया और दबाव देकर अवनेश की हत्या में प्लानिंग में उसे शामिल किया, अपनी पत्नी गीता। देवेश ने अपनी पत्नी के माध्यम से 10 दिसंबर की सुबह अवनेश को फोन कराया और रात में एक गांव के बाहर सरकारी स्कूल है वहां पर उसे मिलने के लिए बुलाया। योजना बनाई गई, योजना के मुताबिक अवनेश रात में उस स्कूल के पीछे पहुंचा, सरकारी स्कूल के पीछे, आप वीडियो में देखेंगे सरकारी स्कूल दिख रहा हो, उस सरकारी स्कूल के पीछे पहुंचा, वहां गीता पहले से मौजूद थी। प्लान ये था कि अरुणेश को पहले सबसे पहले आते ही उसके कपड़े उतरवा लेने हैं ताकि वो भाग ना सके। तो जैसे ही अरुणेश गीता के सामने आया, गीता ने कहा अपने कपड़े उतारो, प्यार का जो खुशी परवान था, तो अरुणेश भी उसको पूरा ये था कि हाँ गीता तो उससे प्यार करती है तो कहीं धोखा वाला बात नहीं। अरुणेश ने जैसे ही कपड़े उतराए, गीता ने उसे अपने गले से लगा लिया। ये पूरा कबूलनामा गीता का है, वही हम बता रहे हैं आपको। गीता ने उसे गले लगा लिया, अरुणेश भी प्यार की खुमारी में डूब गया, और इससे पहले वो कुछ समझ पाता देवेश पीछे से आया और उसने नायलॉन की एक रस्सी से अरुणेश का गला कस दिया, और गला तब तक कसता चला गया, इससे अरुणेश के गले पर रस्सी के निशान भी बन गए। लेकिन इस दौरान किस पतन ना जाने कैसे रस्सी टूट गई, जिसके बाद देवेश अरुणेश जो है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो भागे, देवेश ने एक नुकीले बड़े कील से उसके सीने में घोंप दिया उसे, और उसके बाद बताते हैं उसकी गर्दन पर भी एक बार उसके नुकीली कील से किया, जिसके बाद जो अरुणेश था वो वहीं ढेर हो गया। दोनों ने उसकी लाश को स्कूल के पीछे ही छोड़ दिया और वो वहां से भागकर अपने घर पहुंच गए। 10 दिसंबर बताते हैं कि चूंकि आप जानते शनिवार था, 11 को स्कूल शायद बंद था, हाँ रविवार था तो स्कूल बंद था। 11 दिसंबर को जब इधर सुबह जब हुई, मतलब 10 दिसंबर की रात की घटना है, जब रात भर अरुणेश घर नहीं आया तो अरुणेश की पत्नी वर्षा ने घर वालों को कहा कि रात भर हो गए, आज अरुणेश घर नहीं है। इसके बाद घर वालों ने अब सारी खोजबीन करना शुरू की, कहाँ है कहाँ है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद सुबह अरुणेश के घर वालों ने पुलिस को इस पूरी घटना की, मतलब लापता होने की जानकारी दी। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, कॉल डिटेल लोकेशन पता की कहाँ लोकेशन है। कॉल डिटेल से ये पता चला कि फला नंबर से अरुणेश की ज्यादा बात होती थी, और वो अरुणेश जो नंबर था वो था देवेश की पत्नी। पुलिस वहीं घर वालों से भी पूछताछ में घर वालों ने भी देवेश की पत्नी पर कुछ शक जताया था, जिसके बाद पुलिस को थोड़ा सा यह हुआ, लिहाजा पुलिस ने शक हुआ। पुलिस ने देवेश की पत्नी गीता से सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद पुलिस स्कूल के पीछे पहुंची और वहां से अरुणेश की लाश को बरामद किया। अरुणेश की लाश मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, हर कोई, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उनके गांव में भी हो सकता है, और हुआ।
वहीं अरुणेश की जो पत्नी वर्षा है, जो 5 माह की गर्भवती है, वो तो रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, अब जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उसका क्या होगा। पुलिस ने अरुणेश देवेश और उसकी पत्नी गीता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके 4 बच्चे भी अब किसी और के सहारे आ गए हैं। उन्हें भी लग रहा होगा उनके माँ बाप ने क्या जुल्म कर दिया, जिसकी सजा वो तो भुगतेंगे भुगतेंगे, साथ में अब उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में घर वालों को क्या कहना है हम आपको वो भी सुना देते हैं, और पुलिस ने क्या कहा एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इधर उधर मैं घूमता भी रहा भाई की कहीं भी किसका सुराग मिले कहीं भी, लेकिन शासन ने मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग किया। उन्हीं के योगदान से मेरा भाई की डेड बॉडी जूनियर हाई स्कूल के अंदर मिली। अंदर कहाँ मिली है? अंदर ये जूनियर हाई स्कूल के पीछे बाउंड्री के पास। अच्छा, किसने मारा है आपके भाई को? ये मेरे भाई को मारा है देवेश टेलर, उसकी पत्नी, दोनों की साजिश से मेरे भाई का मर्डर हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं अब न्याय चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश कुमार मिश्रा नाम है। मृतक के कौन है? भाई हूँ बड़ा। सर ये बरेली क्षेत्र में क्या घटना हुई, क्या डिटेल है? ये 10 तारीख रात 9:30 के आसपास अरुणेश मिस नाम के एक युवक गायब था। इसकी सूचना थाने पर दी गई, तत्काल उसकी गुमसूत्री दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वाट सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई कि मृतक के गांव के ही देवेश नामदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे, और देवेश नामदेव की पत्नी ने बगल के ही सरकारी स्कूल के परिसर में मृतक को बुलाया था, वहीं पे उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई है। सबको बरामद कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त देवेश नामदेव और उसकी पत्नी को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। इस खबर से अगर हम कहें हमें क्या सीख मिलती, तो सबसे पहली बात, कोई अगर आप पे एहसान कर रहा है यानी आपकी मदद कर रहा है तो उसकी मदद उतनी ही ले जितनी आप रिटर्न वापस कर सकते, क्योंकि ये जो आज का जमाना है, ये कलयुग जो है, यहाँ पर कोई कुछ भी बिना मतलब नहीं करता। बहुत अच्छा दोस्त है, एक बार आपकी मदद कर देगा, दो बार मदद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना किसी वजह के वो भी मदद करता जाएगा। तो हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद होता है, तो आपको ये जानने की ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने आप को बहुत ही धन्य मानिए कि आपके पास ऐसा दोस्त है जो बिना मतलब के आपको बहुत मदद कर रहा है। लेकिन कहते हैं 100 में से 95 लोग हैं जो वो अगर आपकी मदद करते हैं तो वो किसी न किसी स्वार्थ के साथ करते हैं, उनका स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, तो उस स्वार्थ को जानना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा यही है कि आप किसी की भी मदद लें तो उतनी ही ले जितनी आप उसे रिटर्न यानी वापस लौटा सके, यानी एहसान अगर आप पे कोई करता है तो उस एहसान को आपके चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। इतना एहसान न लाद लें कि आप उस एहसान के तले इतने दब जाएं कि कभी कुछ हो तो आप कुछ कह ही ना पाए, क्योंकि आपके ऊपर एहसानों की गठरी लदी पड़ी है और आप पीठ ही नहीं सीधी कर पा रहे। तो एहसान उतने लीजिए जितनी कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी पीठ जो है वो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कुछ कह सकें। दूसरे बात जो पत्नी ने किया, 10 साल की शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे, परिवार सा संपन्न था, सब कुछ था, खासी खुशी थी, गरीबी थी लेकिन फिर भी सब सही चल ही रहा था, पता नहीं ना जाने क्यों वो बहक गई। आखिरकार बहक तो गई लेकिन उसे लास्ट में तो यही आया कि हमारा पति तो आखिर तक रहेगा, लिहाजा उसने प्रेमी का साथ न देने के बजाय पति का साथ देना ज़्यादा बेहतर समझा, और उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। अगर वो चाहती तो किसी न किसी तरीके से अपने प्रेमी को बचा सकती थी, उसको बचा देती, उसको कह देती कि दोबारा भैया हमसे संपर्क न करना वरना तुम्हारी जान जाएगी, जो हुआ हमारे तुम्हारे बीच भूल जाओ। लेकिन पति का पूरा उसने साथ दिया, प्रेमी को 1-1.5 साल के प्यार के लिए 10 साल के अपने
प्यार और परिवार और बच्चों के पिता को उसने धोखा देना सही नहीं समझा और प्रेमी को मरवा दिया और बड़ी बुरी तरीके से मरवाया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह से गुनाह की और भी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे यूनिज यूपी, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी जरूर करें। नमस्कार।